दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम सबटोटल का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिल्टर्स की मदद से सबटोटल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा पुराना डेटा है, ईयर वन और ईयर टू का रेवेन्यू है। नीचे यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर ईयर वन का टोटल है, ईयर वन के टोटल का रेवेन्यू है। बीच में हमने एक ब्लैंक रो दिया हुआ है, इस ब्लैंक रो को इसलिए दिया हुआ है ताकि जो टोटल है हमारा फिल्टर का पार्ट ना बन जाए। जब हम फिल्टर लगाते हैं तो डेटा पर लगाएंगे, टोटल्स पर फिल्टर नहीं लगना चाहिए, इसलिए बीच में एक ब्लैंक रो दे दिया गया। हम यहाँ पर जाते हैं और अभी अप्लाई द फिल्टर, हम लोग फिल्टर अप्लाई करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने फिल्टर अप्लाई किया, मान लीजिए हम लोग प्रोडक्ट P1 और P3 का टोटल देखना चाहते हैं कि इन सिर्फ दो इन प्रोडक्ट्स का सेल्स कितना है। ओके, जब ये करते हैं तो रेवेन्यू आता है 3,806, यानी कि ये वही रेवेन्यू है जो सारे डेटा का था। नॉर्मल जब हम समेशन करते हैं और फिल्टर लगाते हैं तो हमें जो रो विजिबल हैं उनका भी और जो हिडन है उनका भी, टोटल जितनी भी रो इंक्लूडेड फॉर्मूला में सबका सम देता है। हमारी जरूरत है सिर्फ जो रो विजिबल है फिल्टर में, यानी कि P1 P3 उनका सम हमें मिलना चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है सब टोटल। इस सेल में हमने सम लगाया हुआ है, हम इसके साथ वाली सेल में या E19 में सब टोटल लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। पहले हम फिल्टर क्लियर करते हैं और यहाँ पर सब टोटल लगाते हैं, इक्वल टू SUBTOTAL, सब टोटल एक ग्रुप फंक्शन है, इक्वल जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं सब टोटल लगाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। क्या आप ऊपर में जितनी वैल्यूज हैं उनका एवरेज निकालना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं कि कितनी वैल्यूज हैं उनका मैक्सिमम या मिनिमम ढूंढना चाहते हैं, या सम, हम लोग सम ढूंढना चाहते हैं तो हम यहाँ 9 लगा देते हैं। अगर हमें मिनिमम निकालना होता तो हम 5 लिखते, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर हम जिन वैल्यूज के ऊपर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं यानी कि जिनका सम करना चाहते हैं हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से फिल्टर लगाते हैं और देखते हैं क्या हमारा फिल्टर काम करता है। प्रोडक्ट्स पर जाते हैं और हम सिर्फ प्रोडक्ट P1 और P3 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इन्हीं का टोटल रेवेन्यू चाहिए कि दो प्रोडक्ट्स की कितनी सेल हुई है। टोटल हमने लगाया ईयर वन में 3,806 है जो कि सम है, और ईयर टू में फिल्टर सम है, यानी कि हम जब सब टोटल करते हैं तो जो वैल्यूज फिल्टर के बाद विजिबल है उन्हीं वैल्यूज का सम हमें मिलता है।